आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश खबर में। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें। बीजेपी सांसद रमाशंकर कटेरिया के ऊपर आरोप लगे हैं गुंडागर्दी के और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगरा में इनर रिंग रोड टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से मारपीट करने और गोली चलाने का मामला लगा है सांसद डॉक्टर रामशंकर कटेरिया पर और एक मामला दर्ज किया गया। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि रहनकला में टोल प्लाजा पर पहुंचे और वहीं का ये मामला है, शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आगरा के खंडारी परिसर में रह रहे इटावा के सांसद और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम शंकर कटेरिया काफिले के साथ वहां पहुंचे थे और किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। बस इसके बाद क्या था, टोल कर्मियों पर धावा बोल दिया गया, उनकी पिटाई की गई, झगड़ा किया गया, इतना ही नहीं गोली भी चलाई गई और इसी आधार पर फायरिंग के बाद डरे हुए सुरक्षा कर्मियों ने मदद की गुहार लगाई है। बीजेपी सांसद के गार्ड की ये गुंडागर्दी आगरा इनर रोड के रहनकला टोल प्लाजा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दरअसल इस टोल प्लाजा से रमाशंकर कटेरिया का काफिला गुजर रहा था, 5 गाड़ियों के अलावा एक बस भी थी। तो कर्मचारी के मुताबिक बस के टोल पर उन्होंने पैसे मांगे और इस बात से गुस्सा हो गए सांसद साहब और धमकी दे डाली। वहीं सांसद साहब का कहना है कि ये सारा गलत मामला उनके ऊपर बनाया जा रहा है, इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। हालांकि जो भी सीसीटीवी कैमरे में और जांच के बाद सामने आएगा, अगर उस आधार पर पुलिस काम करेगी तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। 5 गाड़ियां छोटी थी रमाशंकर कठेरिया जी की और एक बस थी, 2 गाड़ियां पहले उनकी निकल गई, वो वीआईपी लाइन से नहीं आए, कोई सूचना हमको नहीं थी उनकी। और उसके बाद उनकी जो पीछे की गाड़ियां थी, एक्चुअली में एक गाड़ी के बाद ऑटोमेटिक सेंसर से डाउन होता है, सेंसर डाउन होता है, बूमर गिर जाता है। एक बार पहले भी हुआ था, इनकी गाड़ी डायरेक्ट एक गाड़ी के पीछे निकली, इनकी स्कॉट की गाड़ी, उसके पीछे इनकी गाड़ी थी, ये गाड़ी के इनके स्कॉट की गाड़ी पे बूमर गिर गया, बहुत गाली फक्कड़ दिया। उस दिन मैं हाथ जोड़ के इनको समझाया, सर एक गाड़ी बाद ऐसा होता है, हम क्षमा कर दीजिए सर, हम लोगों को बहुत समझाए, हम यहाँ 20 महीने से नौकरी कर रहे हैं, ओपनिंग से हैं, हम इनको अच्छे से जानते हैं। उसके बाद फिर इनकी जो पीछे की गाड़ियां थी, ये बंदा हमारा बोला कि सर एक के बाद एक गाड़ी निकालिए, नहीं तो शीशा टूटने का डर रहता है, सबके मन में डर रहता है कि सर कहीं नुकसान हो जाए, बड़े लोग हैं वो। उसके बाद फिर उनकी गाड़ी आगे निकलते ही उनके स्कॉर्ट सीधे बंदे का कॉलर पकड़े, खींचते हुए वहां ले गए। मेरी दिन की ड्यूटी है, मैं सो रहा था कंटेनर में, मैं मैनेजर साहब राजेश गायके जी। उसके बाद बच्चे दौड़ के गए रोते हुए, वहां बोले सर उनको बुरी तरह से मार रहे हैं, जान से मार देंगे आप, चलिए। मैं आधी नींद में दौड़ के आया, मैं इनको देखा, मैंने वहां से वाइपर जो होता है वाइपर उठाया, जब इनको देखा वाइपर फेंक के मैं इनके तरफ दौड़ा, उनका सांसद जी आप हमारे नेता हैं, आप हमारे सांसद, मैं आपको पहचानता हूं, छोड़ दीजिए मर जाएगा बंदा। मेरे उनके पास पहुंचते पहुंचते उनका बंदा सीधे, वो सांसद जी सीधे बोले इसके पेट में गोली दो। अच्छा, हाँ मेरे पहुंचते पहुंचते उनके सांसद छोड़ दीजिए मर जाएगा, मेरे सांसद मेरे नेता जी हैं आप, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। उसके बाद सांसद जी सीधे, सांसद जी के जो स्कॉट थे सीधे पिस्टल से फायर किया, उसका फुटेज है हमारे पास, हमारे कान के बगल से भी गोली निकली और सीधे हमारे पीठ पे लात मारना, वो पीठ पे लाठी से मारना और सर पे मारना, पैर पे मारना और राजेश गायके जी को मारना, इनको मारना। और उसके बाद सर उनसे मैं सब सारी बातें बता रहा हूँ, यहाँ तक कि तिरंगे झंडे का कोई सम्मान नहीं है, इससे भी लात मारने से नहीं चुके वो सांसद जी। यहाँ पे फुटन डाली है उनका फुटन है, सांसद जी पेट में गोली मारने को बोले, बोले पेट में गोली दे, सर में गोली दे। सांसद जी खुद दुख इस बात का, उनकी बीबी मना कर रही थी, बंद मारिए बच्चों को, वो खुद हाथ में डंडा लेके हमला कर रहे थे, खुद मार रहे थे। दबंगई सर, इनको वोट दिया जाता है, जनता मरती है, कूटती है, दौड़ती है रात दिन, लाठी डंडे जनता खाती है, धूल मिट्टी जनता से चाटती है, जेल जनता जाती है इनके वोटिंग के लिए। और ये आम जनता को आज आगरा में सांसद नहीं है, और आगरा के सांसद न रहने के बाद इनको ये सोचना चाहिए कि जनता हमारी थी 5 साल तक, ये इनके लिए तो पूरी दुनिया की जनता इनकी है, पूरा हिंदुस्तान अपना है। 5 साल आगरा में रहने के बाद ये आगरा से बाहर चले गए, इनको बिल्कुल संज्ञान में नहीं था मैं कहाँ का हूँ कहाँ का नहीं हूँ। मैं इनसे बोला आप मेरे नेता मेरे सांसद जी, मैं आपको जानता हूँ, हम यहीं के हैं, इनसे सब कुछ बताया मैं, यहाँ तक कि जो इनके करीबी उनका तक नाम लिया। उसके बाद भी हाल था, बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं, सीधे हमला। कब तक चलता रहा, कितने देर तक चलता रहा मारपीट? सर काफी टाइम तक चलता रहा, ये बड़ी मुश्किल से हम लोग छूट पाए सर, उनसे हाथ जोड़ के इनको गाड़ी में उठा के ले जाने की धमकी दी, उनके सांसद छोड़ दीजिए मर जाएंगे बंदे। 3 टोल कर्मी को तो अच्छे से चोट लगा है सर, जिसमें से हम दोनों के ऊपर तो डंडे पड़े हैं, क्योंकि इनको बचाने के चक्कर में इनको तो बहुत ज्यादा, आपने पुलिस से शिकायत, FIR कर दिए हैं सर, और उसकी कॉपी का फोटो वगैरह भी अब ले लिए हैं, अपने फोटोज वगैरह दे दिए हैं, अब फुटेज वगैरह उनके स्कॉट के, उनके स्कॉट का हमको किसी का नाम नहीं पता, उनकी एक गाड़ी का नंबर हम नोट कर पाए हैं। सांसद जी, हाँ सांसद जी का नाम एकदम क्लियरली डाले हैं, गाड़ी का नंबर उनके, मेरे एक गाड़ी का नंबर याद है मुझे, UP 84 R 0011।
और मुझको सर अगर कुछ भी होता है दिक्कत, मुझको कोई भी दिक्कत होती है कुछ भी होता है, सब सारे जिम्मेदार वही होंगे। यहाँ तक कि डर है मैं हो सकता है नौकरी भी छोड़ दूं, मेरे ऊपर ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है। सांसद माननीय रामाशंकर कठेरिया जी, अगर आपके ऊपर मुझको कोई भी दिक्कत होती है सबके जिम्मेदार वही होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनकी साइज बड़ी है, कुछ भी करवा सकते हैं वो।